नमस्कार, मैं एमके मिश्रा ऑल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस का अंत तो उसी समय हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली थी। याद करिए वो दिन 26 मई सन 2014, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया था, उस शपथ के बाद ही कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था। लेकिन अब उस पतन का आखिरी दौर में चल रहा है, क्योंकि जब पार्टी के बड़े बड़े नेता खुद बाहर होने लगे, इसी बीच संजय झा, एक बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने आज मारा है राहुल सोनिया को जोरदार तमाचा, और यहां तक कह दिया है इस जोरदार तमाचे के साथ कि मैं यहां परिवार की गुलामी करने नहीं आया हूं। आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। और सचिन पायलट के बाद आज जोरदार तमाचा लगने का मतलब क्या है और कैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी के आंखों में धूल झोंक करके कांग्रेस को हैक करना चाह रहा है कोई और कौन है वो, आपको इस वीडियो में एक्सक्लूसिव फुटेज देखेंगे। अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा, हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो ये कांग्रेस के खात्मे वाली वीडियो को लाइक करना जरूर है, लेकिन एक बात तो तय है, राहुल गांधी इस समय इसमें कहीं ना कहीं विक्टिम है। राहुल गांधी को टारगेट करके पूरी की पूरी पार्टी को हैक की जा रही है। तो चलिए पहले संजय झा पे चलेंगे, फिर ले चलेंगे आखिर पार्टी को हैक कौन कर। संजय झा को आपको पता होगा, अगर मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, संजय झा को पार्टी से निष्कासित किया गया। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद संजय झा ने जो जोरदार तमाचा मारा है उसको मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक पत्र दिखा देता हूं, उस पत्र से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। संजय गांधी को कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड किया गया है। एक चिट्ठी आपके सामने नजर आ रही है, ये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की है जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसमें श्री संजय झा हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटी ऑन एंड ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, या सा ये नियमों को तोड़ने के कारण इनको पार्टी से बाहर किया जा रहा है। सीधे सब में एक लाइन का सस्पेंस लेटर बाला साहब थोराट का, महाराष्ट्र के जो वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये लिख करके और उनको एक झटके में पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब इनकी गलती क्या थी वो समझिएगा, उसके बाद इनका रुख समझिएगा। इन्होंने जो जोरदार तमाचा मारा है संजय झा ने, उसके बाद बताऊंगा आखिर कांग्रेस पार्टी को हैक कौन कर रहा है। कांग्रेस ने अपने संजय झा ने को मंगलवार को ही तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। पार्टी ने उनके खिलाफ यह एक्शन पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अनुशासन के उल्लंघन को लेकर किया था। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट की ओर से बताया गया कि संजय झा कांग्रेस को तत्काल प्रभावी से पार्टी गतिविधियों के अनुशासन तोड़ने के लिए सस्पेंड किया जाता है। उनके निलंबन पर कहा, मुझे कुछ लोगों ने चौंकाता नहीं है, मैं कौन सी पार्टी का गतिविधि हूँ, इसे कम से कम कांग्रेस से इस बात से एक बार मुझे करनी चाहिए थे। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर इसको कहा। उसके बाद झा ने पार्टी द्वारा किए गए सेक्शन को कुछ ही मिनटों द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने बायो चेंज कर दिया। उस पर लिखा, डीएनए से तो कांग्रेसी हूं पर इंडिया नीड्स ए रीएक्वेंड एंड रीवाइटलाइजेशन, कांग्रेस रेडी टू मी विन सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल, लिखने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया जा चुका है। बता दें आपको, पिछले महीने उन्हें कांग्रेस के चीफ सोनिया गांधी ने इस आर्टिकल को लेकर पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया था, जिसमें लेख में संजय झा ने कांग्रेस की आलोचना की थी। यह संजय झा के सस्पेंस के बाद एमपीसीसी द्वारा जारी किया एक प्रेस नोट था जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ। वैसे कांग्रेस में झा के खिलाफ यह एक्शन ऐसे वक्त लिया गया है, 14 जुलाई को सुबह 10 बजे तक ट्वीट कर रहे थे, राजस्थान के सियासी संकट का हल नहीं निकल पाया है, सचिन पायलट को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इसके लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अब इस समय खींचतान चल रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि संजय झा का क्या रिएक्शन आया है, कैसे उन्होंने जोरदार तमाचा मारा है,
वो भी मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अब संजय झा का एक ट्वीट आपके सामने नजर आ रहा है जो संजय झा ने लिखा है। इसमें संजय झा ने लिखा, माय लॉयल्टी इज टू कांग्रेस आइडियोलॉजी, माय फिडेलिटी इज नॉट टू एनी इंडिविजुअल और फैमिली, आई रिमेन ए गांधी नेहरूज आइडियोलॉजी, आई वैनिश ब्रीड विद कांग्रेस, आई विल कंटिन्यू टू रेज इशू दैट आर फंडामेंटल टू द री अर्जेंस ऑफ माई पार्टी। यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर लिखा, मैं किसी परिवार और किसी व्यक्ति का चाटुकार नहीं हूँ, मैं किसी परिवार और पार्टी का चमचा नहीं हूँ, और मैं अब इस पार्टी से रिजाइन वो तो कर रहा हूँ लेकिन पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। ये बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के जो विरोधी गतिविधियों से निलंबित किए जाने के बाद संजय झा का ये बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को आईना दिखाया कि कांग्रेस एक पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद और एक व्यक्ति विशेष के चारों ओर घूम रही है, और लेकिन अभी भी कांग्रेस इस पर आईना नहीं देख रही खुद को। सबसे बड़ा यहाँ पर संजय झा का ये ट्वीट बहुत कुछ बयां कर रहा है, और संजय झा के ट्वीट से राहुल गांधी सोनिया गांधी को यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। ने साफ तौर पर यहाँ कह दिया है कि निलंबन पर उन्हें साफ तौर पर कहा कि भारतीय अखिलेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता के रूप में हटाया गया था, लेकिन मैं यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। ये सबसे बड़ा झटका दिया है संजय झा ने, और साफ तौर पर लिख दिया है कि मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति और किसी परिवार के लिए चमचागिरी तलवार नहीं चढ़ूंगा। और ये वाकई में बात सही कही है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता इसको सोचेगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपको बताते हैं आखिर इन सबके पीछे की कहानी क्या चल रही है। साहब कहानी बहुत बड़ी है, कहानी ऐसी है जो आप समझेंगे कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ना रिश्तेदार ना परिवार, ये परिवार का गेम है। और यहाँ पर आज राहुल गांधी के पद को कौन छीनना चाहता है, राहुल गांधी के कांग्रेस को कौन छीनना चाहता है, मैं आपको अगर बता दूं तो वो छीनना चाहते हैं वाड्रा परिवार। प्रियंका गांधी देख के करके राहुल गांधी के जो भी करीबी हैं उनका कत्ल एक तरह से कर रही, यानी कि पार्टी से उनका पत्ता साफ करती जा रही है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो संजय झा हो, या बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे रहे जो काफी करीबी रहे हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी के करीबी होने के बाद इन लोग का पत्ता कट रहा है। और पत्ता कब कट रहा है, जब इस समय ऐसे वक्त ऐसे सिचुएशन में है कांग्रेस, जब उन्हें लोगों की जरूरत है, तो आखिर कांग्रेस छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं। दूसरा सवाल, दूसरा एक अच्छा जो मैं बता दूं आखिर पार्टी को हैक करने की बात क्यों कह रहा हूं, वाड्रा परिवार कर रहा है, आपको बता दूं सचिन पायलट के ऊपर एक एक्शन हुआ था 2 दिन पहले जिसमें उन्हें पार्टी से उनको जवाबदेही देनी थी, मुख्यमंत्री को जवाबदेही देनी पड़ती है, पुलिस के सामने देनी पड़ेगी, उसके लिए एक उनको नोटिस भेजा जाता है और नोटिस का जवाब देने के लिए कहा था। उसके बाद प्रियंका गांधी सामने आती है और कहती है मैं सचिन पायलट से बात करूंगी और उनको वापस पार्टी में बुलाऊंगी। आप समझिएगा कि आखिर प्रियंका गांधी सचिन पायलट को पार्टी में बुलाने के लिए नोटिस देने के बाद क्यों आई। वो इसलिए आई थी कि उन्हें साफ तौर पर एश्योरेंस था अगर वो नहीं आती तो हो सकता है सचिन पायलट को लोग मना लें, और सचिन पायलट और राहुल गांधी बहुत करीबी हैं, ऐसे में अगर सचिन पायलट पार्टी में रुक जाते हैं तो यहां पर वाड्रा परिवार कांग्रेस को हाईजैक नहीं कर पाएगी। ये बड़ी बात है, और ये कुछ वक्त रहने दीजिए साहब, ये खबर आपके सामने होगी जो हम आज बता रहे हैं। हमने शुरू से कई चीजें कही हैं जिस पे हम स्टैंड किए हैं, वो बात सही हुई है। हमने शुरुआत से हमारे चैनल ने आर्टिकल 370 खत्म होगा खत्म होगा खत्म होगा कहते रहे और आर्टिकल 370 खत्म हो गया। हम राम मंदिर बनेगा 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 हम बार बार कहते रहे और राम मंदिर बन गया। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में भी कह रहे हैं और जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमने उठाए हैं, वो उठा है।
2017 में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने से पहले 12 अप्रैल को जब चुनाव के परिणाम आए थे उसके अगले दिन ही हमने बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। आप हमारे चैनल पे वो भी जाकर देख सकते हैं मुख्यमंत्री बने। इसलिए हम बता रहे हैं आपको जो ये खबर बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को हाईजैक कौन कर रहा है, वाड्रा परिवार कांग्रेस को हाईजैक कर रहा है और आने वाला दिन आने वाले वक्त ये सब कुछ सही कर देगा, ये सब कुछ सच बाहर आ जाएगा और हम आप कहेंगे वाकई में ये कितनी बड़ी साजिश थी राहुल गांधी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी से अब वाड्रा परिवार को शिफ्ट हो रहा है। इसका सबसे अनूठा उदाहरण है कि वाड्रा परिवार के बेटे जो हैं रेहान वाड्रा, प्रियंका और वाड्रा के बेटे, अब रेहान राजीव गांधी वाड्रा लिखने लगे हैं। मतलब समझ रहे आप हाईजैकिंग की प्रक्रिया का ये भी एक स्टेप है। अगर आप मेरी बातों से सहमत है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा क्या ये बात सच है या नहीं, क्योंकि आने वाले 2022 के जो इलेक्शन है उसको बारे में बता दूं कि यूपी में प्रियंका गांधी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन एक बात बता दें, आपसे पूछता हूं आपसे, क्या 2019 का चुनाव प्रियंका गांधी के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था? लेकिन सारा ठीकरा राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया और प्रियंका गांधी एक्टिव थी। तो ऐसे में एक भाई के जगह को छीन रहा है कोई। हालांकि ये तो राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वीडियो खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहो इंडियन नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।